लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओ बंटी, और तू मेरा खाना लगाओ जल्दी। बस अभी लगाया पापा जी, चलो चलो जल्दी। लक्की, मेरा पजामा ले गया ऊपर से। जी पापा जी, नीला है सफेद? नीला है यार। जी पापा जी, नीला तो गीला है। अरे नीला लेके आ यार। दाल थोड़ी और गर्म कर दो, नहीं तो और चिल्लाएंगे। वैसे भी आज उनसे मॉरिशस वाली बात करनी है ना। ये तो गीला है। पापा जी मैंने कहा था नीला गीला है। सफेद ले क्या? जी पापा जी। अरे खाने का क्या हो रहा है? पापा जी मैं कह रहा था, वो अपना भानू है ना, भानू मॉरिशस वाला डिस्ट्रीब्यूटर, उसने ना हमें मॉरिशस आने का इनविटेशन भेजा है। खर्चा वर्चा सब वही कर रहा है पापा जी। तो पापा जी एक हफ्ते के लिए अगर हम दोनों मॉरिशस घूम आते तो ठीक है। ठीक है, वो वैसे हम भी केडी और लाली के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं बैंकॉक। बैंकॉक? बैंकॉक पापा जी, बैंकॉक। क्या हुआ पापा जी? बैंकॉक जाने की कह रहे हैं। इस उम्र में बैंकॉक? ऐसा क्या होता है वहाँ? बहुत धर्म के मंदिर हैं, घने जंगल हैं, एक दांत वाले हाथी घूमते हैं वहां पर। लेकिन पापा जी ये सब तो रामनगर में और अपने कॉर्बेट में भी दिख जाएंगे, और ये जो बौद्ध धर्म के मंदिर है ना, ये रांची में बहुत हैं। लेकिन ये बैंकॉक ही क्यों? और पापा जी मोहल्ले में ना सब लोग हंसेंगे, और सब जानते हैं कि क्या चलता है बैंकॉक में। वो तो हम तो नहीं जानते ना, इसलिए जा रहे थे। अब जान गए हैं तो नहीं जाएंगे और क्या है? भैया केडी कैसा है? केडी? केडी वैसा ही है, आवारा। बहुत दिनों से ये आवारा घर नहीं आया, कहीं बाहर गया है? अभी तो फिलहाल यहीं पर है, अगले हफ्ते बाहर जा रहा है। कहाँ? पिंकी और मेरे साथ छुट्टी पर जा रहा है, बैंकॉक जा रहा है। क्या आप लोग बैंकॉक जा रहे हैं? कौन जा रहा है बैंकॉक? तेरे डैडी। हरे राम, मेरे राम, हरे कृष्ण। कितो डैड, आप क्या हुआ? ऐसा क्या है वहाँ? दुनिया भर के भूखों की दावत होती है वहाँ। भूखे? कैसे भूखे? डैड यू गॉट बी किडिंग मी। डैड कोई हमसे पूछेगा कि आप कहाँ गए हो तो हम क्या जवाब देंगे? बैंकॉक? अरे झूठ बोलने वाली क्या बात है? क्या है वहाँ पर? हम तो वहाँ पर एक हाथ वाला दांती, मेरा मतलब एक दांत वाला हाथी देखने और बौद्ध धर्म के मंदिर देखने जा रहे हैं, और कुछ है वहाँ पर क्या? पासपोर्ट पे बैंकॉक का ठप्पा, मतलब कैरेक्टर लेस सर्टिफिकेट। करेक्ट। अरे राम, मेरे राम, कृष्ण। क्या कर रही हो भैया? अगर आपको बैंकॉक जाना है ना तो भाभी को साथ में लेके जाओ। घर छोड़ दूंगा। 60 साल के बुड्ढे को कोई जरूरत है बैंकॉक जाने की? मैं आज तक नहीं गया, आप जाओगे डैड? अरे कहीं नहीं जा रहा यार, थोड़ा बंद करो यार। टिकटें सस्ती मिल रही थी इसलिए जा रहा था अपने दोस्तों के साथ बैंकॉक, अब नहीं जा रहा हूं। खुश इट्स डिस्गस्टिंग, एम्बैरेसिंग, डिसअपॉइंटिंग। क्या हो गया? क्या कह रही? अंग्रेजी में गुस्सा हो रहा है। ऑब्नॉक्सियस यार, तू तो छड़ा छटांग है। हम फैमिली वाले लोग हैं, कुछ चीजें सोचनी पड़ती है कि नहीं? पर शादी क्यों करी? क्यों किए बच्चे पैदा यार? तुम लोगों के साथ बाईगार्ड कोई भी प्लान बनाना फजूल है। एक तो तेरे मसालों ने जीना आराम कर रखा यार। आज फिल्म सिटी में बॉलीवुड हार्ट थ्रॉब अक्षय कुमार की शूटिंग हुई रद्द, क्योंकि भारी तादाद में लड़कियां उन पर टूट पड़ी। अक्षय वहां शूट करने गए थे लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें आधी शूट के बाद ही वहां से भागना पड़ा। इसी दौरान अक्षय का पैर उनकी गाड़ी के दरवाजे के बीच में आ गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी बॉडीगार्ड की खूब जमकर पिटाई करी। असली जिंदगी तो फिल्म स्टार जीते हैं यार, हम तो उनके जूते के बराबर भी नहीं है। अक्षय की अगली फिल्म की शूटिंग लोकेशन होगी मॉरिशस, जहां वो काफी समय स्पेंड करेंगे। अरे यार ये मॉरिशस बड़ी सही जगह लगती है, और जिसे देखो वो चला जा रहा मॉरिशस। बॉस
तुम्हें कैसे मालूम? तुम पहले गए हो क्या? अरे सब जगह वैसे ही है यार, बैंकॉक, मॉरिशस, कुआलालंपुर, बस मॉरिशस के बारे में कम लोगों को पता है। अरे यार फिर तो बंटी को बोलना पड़ेगा, वो तो बहू के साथ जा रहा है यहाँ पर एक हफ्ते के लिए मॉरिशस। एक मिनट बंटी? हाँ अपना बंटी। अपना बंटी ऐसा ना, हमारे कैच के मसाले एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ पर, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दो इन्विटेशन भेज दिए हमें, मतलब एक बंटी को और एक उसकी मिसेस को। तो जहाँ दो भेजे हैं वहाँ तीन भी तो भेज सकता है। अरे बंटी, ओ लक्की। पापा जी खाना लग गया। पापा जी नीला है सफेद? अरे छोड़ो, बैठो यहाँ बैठो। बंटी आपने मॉरिशस वाले भानु से बोल दो कि दो नहीं तीन इनविटेशन भेजे। नहीं नहीं पापा जी, अपना सोनू भी बहुत छोटा है और उसको साथ ले जाने की कोई तुक्की नहीं बनती है, एक हफ्ता अपने चाचा चाची के साथ आराम से रह जाएगा वो। सोनू की बात नहीं कर रहा, अब तुम और रितु नहीं बल्कि मैं, केडी और लाली जा रहे हैं मॉरिशस। तुम रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ और चाहो तो वापसी में लौटते हुए रांची भी हुआ ना, बौद्ध धर्म के मंदिर हैं वहाँ। है जी। हाँ जाओ रितु को बतला दो। जी बोल। पापा जी नीला है सफेद? तुम बैग लगा दो। जी जाओ। The serious, they ain't joking. More action, less talking. No nonsense, no booking. Man, they so shocking. Badass, shocking. Badass, shocking. Badass, shocking. Badass. Come on now. शिलाजीत लेते कैसे हैं? अंकल जी आप तो इसको गंगा जल के साथ ही ले लेना। गाड़ी में ही कपड़े बदल रहा है, मैंने कहा था इसके साथ जाना ही नहीं मुझे यार। वैसे हम मॉरिशस में रहेंगे कहाँ? एक लड़की के घर पे। लड़की? शुरू हो गई ना इसकी नॉनसेंस। अरे यार नॉनसेंस क्या यार, इंटरनेट पे बुकिंग की, एक लड़की का घर रेंट पे लिया, तू यकीन नहीं आ रहा है। ए देख, ये घर नहीं, लेकिन ये लड़की वहां रहेगी? नहीं लड़की वहां नहीं होगी। तो देख भाई, जैसे हम लोग छुट्टियां मनाने निकले हैं वैसे ही वो लड़की भी निकल पड़ी है, लेकिन घर होगा अपना। नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ, लड़की नहीं रहेगी वहां पर तो। अरे यार लड़की हो या ना हो, लड़की की महक तो होगी। महक शायद लगा के चाटोगे साले। हो गया यार तेरा काम ये। जब भी कोई कंगना बोले पायल झलक जाए, जब भी कोई कंगना बोले। यार ये तो लगता करोल बाग में आ गए, यहाँ तो सब देसी हैं। बरसों पहले बिहार से आके सेटल हो गए थे, पीछे से अपने वाले हैं सब। पर गश्तियाँ तो होंगी ना। 200%। चलो 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 चल 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 फटाफट, सामान आ गया। लेट बहुत करता है यार। Excuse me. Welcome Goyal अंकल। माला तो माला। Welcome अंकल, welcome Goyal अंकल। No. आप कौन? जी मैं भानु, बंटी ने फोन करके बताया था कि आप आ रहे हैं। 15 साल से कैच के मसाले बेच कर तो जिंदा है हम। कैसा रहा सफर? वाह वाह, ये क्या हो गया? इसके बेटे ने तो यहाँ भी जासूस लगा दिया। हो गई अयाशी अब। ओके देखो मैं पिंकी, अगर तुम्हें इनके साथ रहना है तो रहो, कोई बात नहीं, हम दोनों निकल लेते हैं। फैमिली एटमोसफियर में तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ इट। नहीं यार, अरे ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं यार, ऑनर कर रहे हैं मुझे। तो तुम करवा लो ना ऑनर, मिलते हैं 2-3 दिनों बाद। नहीं यार,
ऐसे थोड़ी होता है, वो तो फिर कैसे होता है? देखो बेटा भानु, अपना नंबर SMS कर देना हमें, जाने से पहले जरूर मिलेंगे तुमसे। अरे अंकल, हमने सोचा था साथ में खाना वाना खाकर उसके बाद टेम्पल वगैरह घुमा देते आपको। अगले हफ्ते हमारी कंपनी इंडियन कम्युनिटी का इवेंट स्पॉन्सर कर रही है। देख भानु, ज्यादा जिद मत कर, हमें कहीं नहीं जाना। और याद रखना, इस बात की खबर अगर बंटी को दी तो डिस्ट्रीब्यूशन किसी और को दे दूंगा। समझ आई? आई आई। हेलो बे, टैक्सी बुला। The serious, they ain't joking. More action, less talking. No nonsense, no booking. Man, they so shocking. Badass, shocking. Badass, shocking. Badass, shocking. Badass. Come on now. Wow. Oh. What a beautiful place. So artistically done, yaar. Thank you. खुशबू भी अच्छी है। एक ताले एक फेमिन स्मेल है। बॉस, ये देखो। ये गश्ती है 200%। यार ये जो कुछ हम कर रहे हैं। अरे यार किया कुछ नहीं, तू पहले से गिल्टी महसूस करा रहा है। ओ, करने का भी मौका मिलेगा आज शाम को। क्यों, क्या है आज शाम? देखो, तुम दोनों तो कभी स्ट्रिप क्लब गए नहीं हो। मैं गया हूं मॉस्को में। मैं आज तुम दोनों को यहां स्ट्रिप क्लब लेके चलूंगा। तब तक के लिए अपनी जवानी संभाल के रखो। जगह है ना पक्का? लिखा तो है बनाना क्लब। ये इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? पिंकी, ऐसे क्लब साउंड प्रूफ होते हैं। हाँ? ताकि अपनी अंदर की हैवानियत बाहर ना आने पाए। आओ इस हैवानियत का हिस्सा बने। हाँ? आओ। हेलो। नॉर्मली तीन का कितना? 1000 ईच। एनी डिस्काउंट? आप लोग इंडियन हो? अरे तुम हिंदी आती है? हाँ, हम इंडिया से हैं। हाँ, थोड़ा कम कर दो यार, पहली बार है। 500 ईच। देखा कैसा मूल भाव किया मैंने। इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? मुझे इस जगह की वाइब्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रही है केडी। यार मॉरिशस का बेस्ट क्लब है यार, लड़कियां भी आती होगी। बेबीज किधर है? आओ यारो, सेटल हो जाओ बस। कितना वाइला यार। आती कुछ यार, पेश करते हैं आपके सामने शॉकिंग कंपनी से भोजपुरी गाना बॉलीवुड स्टाइल में। एंजॉय कीजिएगा। कपड़े उतारे तो मेरा महिलाओं से मन उचट जाएगा। चलो चलते हैं। नहीं यार, हमारे नाच रही है, उसे बुरा लगेगा। कहो थकेल का? I think I fell. Don't worry, I'll get up. वाली यार भाई, धीरे चल यार। इंडिया के लिए 12 बजे की फ्लाइट है, किस्मत अच्छी हुई तो टिकट मिल जाएगी। इंडिया? ओ पागल हो गया क्या तू? मैं पागल हो गया हूँ? देख रहा कहाँ खड़े अब।
और ये तेरा गश्ती खाना, वहां अंदर ऐसा लग रहा था जैसे गन्ने के खेत में कोई हाथी डांस कर रहा है, लोहे का डंडा मरोड़ दिया था उसने यार। नहीं यार लाली, बंदी इतनी खराब भी नहीं थी। ओए सफेद पजामे, तेरी ठरक में अच्छी तरह जानता हूँ, तेरे लिए तो रास्ते का कुत्ता भी अंग्रेजी बोल देना तो तेरा काम हो गया समझो। ये तुम गलत बोल रहे हो यार। क्या गलत बोल रहा हूँ? एक मिनट के कर क्या रहे हो यार, कर क्या रहे हो? डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। अनजान जगह है, पहली रात है, थोड़ा एक्सप्लोर तो कर लो लाली, गिव इट अ चांस। अभी तो रात जवान है।